सैफानुश्री और मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कहता हूँ एजुकेशन पर दिल से स्वागत करती हूँ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर के आइकन पर क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बेसिक ग्रामर के साथ साथ में एजुकेशनल वीडियोज प्रोवाइड किए जाते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम से भी ज्वाइन हो सकते हो। आप सिंपली गेट ऑनलाइन एजुकेशन करके सर्च करें या फिर आपको इन सभी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने आपको टेंस के कुछ रूल्स लिखवाए थे, जिसमें हम लोगों ने प्रेजेंट इनडेफिनेट के जितने भी रूल्स थे लिखवा दिए थे। आज हम लोग उसके कुछ ट्रांसलेशन जानेंगे, कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। तो पहले हम लोग ये जानेंगे, पहले हम लोग आपको कुछ रूल्स एक और बताते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारा, जो ट्रांसलेशन करने में हमारी हेल्प करेगा। जैसे लिखा है यूज़ ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। अब जैसे प्रेजेंट इनडेफिनेट का यूज़ का, ये तो हम लोग को पता है कि जो हम लोग कार्य कर रहे होते हैं उसके लिए किया जाता है, लेकिन अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने मैंने आपके लिए कुछ 5 to 6 पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं, उसको पहले समझेंगे, फिर लास्ट में हम लोग कुछ एक्सरसाइज उसके सॉल्व करेंगे। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है आज का, ओके। तो पहले ऐसे हमारा जो है इसके लिए जो रूल है लिखा है सदैव सत्य रहने वाली बात, जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है उसके लिए हम लोग कहाँ किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनेट का यूज़ वहाँ पर हम लोग करते हैं। जैसे ऐसे एग्जांपल समझे, द सन राइज़ इन द ईस्ट, जो हमारे सूर्य है वो पूरब से उगता है या फिर पूरब से निकलता है, तो हमारे ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। जैसे अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है किसी आदत को वर्णन करने के लिए, मतलब कोई भी किसी की आदत है। जैसे आपकी आदत है सुबह उठ के कोई काम करने का, किसी की आदत होती है सुबह उठ के फ़ोन चलाने की, या फिर कोई किसी की आदत होती है सुबह जल्दी उठने की, या फिर कोई पढ़ने की आदत है किसी के न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होती है। तो जैसे जैसे किसी सेंटेंस में किसी की हैबिट का वर्णन, मतलब किसी की हैबिट के बारे में बताया जा रहा है, तो वहाँ पर हम लोग प्रेजेंट इनडेफिनिट का ही यूज़ करेंगे, रूल्स लगाएंगे वहाँ पर। जैसे लिखा है किसी आदत का वर्णन करने के एग्जांपल क्या है, ही गोज टू टेम्पल डेली, वह मंदिर डेली जाता है। तो वह मंदिर रोज़ जाता है, रोजाना जाता है। तो गोज इसका क्या हो जाएगा, जाना। तो यहाँ पे गोज के साथ क्या लगा, हम कैसे पहचाने कि ये प्रेजेंट इनडेफिनेट, क्योंकि यहाँ पे गो के बाद ई एस लगा है। ई एस क्यों लगा है, क्योंकि प्रेजेंट इनडेफिनेट का सिंगुलर के लिए हम लोग ई एस लगाते हैं, ई एस या फिर एस। वो आपको तो पहले पता होगा कि एस कहाँ पे लगाते हैं और ई एस कहाँ लगाते हैं, लेकिन जो क्रिया के साथ हम लोग, जो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो हमारी वर्ब होगी उसके साथ ही हम लोग क्या करेंगे, एस या फिर ई एस का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो है बार बार दोहराई जाने वाली क्रिया को दर्शाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे जो भी कोई भी रिपीटेड थिंग्स होती है, रिपीटेड थिंग्स अगर है हमारी, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनिट का, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ हम लोग करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं इसका क्या है हमारा, एग्जांपल हमारा आई गो टू डांस क्लास डेली, आई गो टू डांस क्लास डेली। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वो डेली जाता है। जैसे हम लोग डेली कॉलेज जाते हैं या फिर डेली कोई ऐसे काम करते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो बार बार दोहराया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करेंगे, हम लोग प्रेजेंट इनडेफिनिट का यूज़ करेंगे। और आपको एक इमेज में गलती हो गई, मैंने तो नोट्स बनाया था, तो मैंने एग्जांपल मतलब सी का जो एग्जांपल है वो मैंने यहाँ लिख दिया था और डी का एग्जांपल मैंने डी में लिख दिया था। इसके लिए मैं आपसे सहज से माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हमारी ये गलती दोबारा नहीं होगी, ओके। तो इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, आई गो टू डांस क्लास डेली। आई के साथ ने ये क्यों, ऐसे फिर ईयर्स क्यों नहीं लगा ये बताइए, क्योंकि हमने रूल्स डिस्कस किया था, तो हम लोगों ने यहाँ पे बताया था कि क्रिया के साथ एस और ईएस लगाते हैं। तो एस और ईएस हम लोग सिंगुलर के साथ लगाते हैं, और जो हमारा आई है वो हमारा प्लूरल के लिए यूज़ होता है, लेकिन प्लूरल वाला अल्फाबेट है हमारा, तो हम लोग इसके साथ भी हम लोग गो के साथ हम लोग एस या फिर ईएस नहीं लगाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा जो डी रूल हमारा है, फोर्थ रूल जो है, भविष्य में होने वाली घटना या फिर योजना को प्रदर्शित करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी फ्यूचर में कोई चीज़ होने वाली है, ठीक है, जैसे कल आपका बर्थडे है या फिर कल कोई ऐसा ओकेशन है जो होने, तो उसको हम लोग वहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे, वहाँ पे भी हम लोग इसका यूज़ करेंगे, किसका, प्रेजेंट इनडेफिनिट का। जैसे
द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना एट 9 AM नेक्स्ट संडे। जैसे नेक्स्ट संडे को जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हमारे चाइना के लिए रवाना होंगे, तो उसके हम लोग क्या यूज़ करेंगे वो हम लोग आज के लिए बताए ना, भविष्य में होने वाली घटना जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ें हैं वो हम लोग प्रेजेंट में बताएं, तो हम लोग वहाँ पे भी प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का रूल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा शेड्यूल्ड क्रिया के लिए। जैसे कोई शेड्यूल हम लोगों ने तय कर दिया है, ठीक है, हमारा ऑफिस टाइमिंग एक फिक्स होता है, स्टडी टाइमिंग का कुछ लोगों का शेड्यूल होता है, कुछ लोगों का उठने का शेड्यूल होता है सवेरे, तो वैसे ही जो शेड्यूल टाइमिंग होता है वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। फिर हम लोग का एक जैसे एग्जांपल है, माय ऑफिस स्टार्ट एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। मेरी जो ऑफिस का टाइमिंग है वो 10 o'clock के सवेरे का 10 बजे का जो टाइमिंग है वो हमारा ऑफिस का टाइमिंग है, या फिर ऑफिस खुलने का टाइमिंग या ऑफिस चालू होने का टाइमिंग है, तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा शेड्यूल के लिए। तो स्टार्ट हम लोग कैसे पहचाने, स्टार्ट मतलब होता है खुलना या फिर शुरू होना, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एस लगाएंगे क्योंकि ये हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, सिंगुलर के लिए हम लोग यूज़ किए तो हमारा एस या फिर ईएस लगेगा। फिर लास्ट हमारा रूल जो है वो है किसी ऐसी स्थिति को समझाने के लिए जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, या फिर ऐसे कोई हम लोग रूल है या ऐसी चीज हम लोग बता रहे किसी को जिसमें हम लोग कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जैसे सेंटेंस एग्जांपल हमारा द गोल्डन टेंपल इन अमृतसर पंजाब सराउंड्स बाय द सरोवर अ लार्ज लेक और हॉली टैंक। तो यहाँ पे सराउंड्स क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वर्ब के साथ एस लगा हम लोग पहचानेंगे उसके बाद, ये हमारा हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आई होप आपको ये रूल समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले। अब आगे बढ़ते हम लोग अपने सेंटेंस को चेंज करने के लिए। जैसे लिखा जाए ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, तो हम लोग जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा दे रखा, अगर रूल्स आप लोगों ने नहीं देखे तो उसको रूल्स जरूर चेक कर लीजिएगा। लिखा है वह कार नहीं चलाता है, तो सब्जेक्ट तो रूल्स हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिर जो फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज़ करनी वो यूज़ करेंगे, और ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट हम लोग यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है वह, तो वह की इंग्लिश होती है हमारी ही, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया ही। तो क्या लिखा है फिर से पढ़ते हैं, वह कार नहीं चलाता है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे डू या फिर डस, ही डस नॉट ड्राइव ए कार, ही डस नॉट ड्राइव अ कार क्यों लगाएंगे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हम लोग डू या फिर डस का यूज करते हैं, वो भी कहाँ पे करते हैं जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट दे रखा हो, मतलब जब निगेटिव को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस हमारा दे रखा और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर दे रखा, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं डज नॉट का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ही डज नॉट ड्राइव अ कार। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हम पुस्तकालय नहीं जाते हैं, हम पुस्तकालय नहीं जाते, तो वी डू नॉट गो टू लाइब्रेरी, वी डू नॉट गो टू लाइब्रेरी, क्योंकि यहाँ पे डू नॉट क्यों यूज़ करेंगे, यहाँ पे डज नॉट का यूज़ कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग डू नॉट का यूज़ इसलिए करेंगे क्योंकि वी हमारा क्या है, ये हमारा प्लूरल है और यहाँ पे ही हमारा सिंगुलर है, तो ही के साथ डज नॉट और वी के साथ डू नॉट का यूज़ हम लोग करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है क्या मोहन चाय पीता है, क्या मोहन चाय पीता है, तो कैसे लिखेंगे इसका हम लोग, तो इसका हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा, डस मोहन ड्रिंक टी, डस मोहन ड्रिंक टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आपने रूल्स अच्छे से पढ़ा होगा समझा होगा तो आपको ये रूल समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने स्ट्रक्चर बनवाया था। अब नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, वृक्ष हमें ऑक्सीजन देते हैं, तो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, प्लांट्स गिव्स अस
ऑक्सीजन। प्लांट गिव्स अस ऑक्सीजन। ओके, फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या तुम रोजाना स्नान नहीं करते हो? क्या तुम, तो यू हमारी, तुम की इंग्लिश होती है यू, तो डू यू, यू के साथ हमारा क्या लगता है डू, क्योंकि यू हमारा प्लूरल है। डू यू नॉट टेक अ बाथ डेली? लास्ट में क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा, डू यू नॉट टेक अ बाथ डेली। फिर एक सेंटेंस हमारा है ये, उसका निर्वाह बड़ी कठिनाइयों से होता है। उसका निर्वाह बड़ी कठिनाइयों से होता है, तो क्या हो जाएगा इसके इंग्लिश, हिज सर्वाइव फ्रॉम हैंड टू माउथ। ओके, ही सर्वाइव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, मतलब इसका निर्वाह बड़ी मुश्किलों से होता है या बड़ी कठिनाइयों से होता है। वे फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं, वे फुटबॉल क्यों नहीं खेलते हैं, तो वाई डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। फिर क्वेश्चन मार्क, फिर सेंटेंस हमारा है, क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, डू द चिल्ड्रन नॉट गो टू द स्कूल। फिर अब आपको दो सेंटेंस, मैंने आपको 10 सेंटेंस लगवाने थे, 10 सेंटेंस में मेरा मैंने आपको 8 सेंटेंस करवाए हैं। अब दो सेंटेंस हमारा है, रवि पत्र नहीं लिखता है, और उसके बाद सेंटेंस हमारा, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये सेंटेंस और सेंटेंस नंबर हमारा 10। कोई सेंटेंस नंबर 9 और सेंटेंस नंबर 10 आपको ये खुद सॉल्व करना होगा, ताकि आप भी इंग्लिश ट्रांसलेशन करने में प्रॉब्लम ना क्रिएट। तो साथ ही में आपके पास जो बुक्स हो उससे भी आप सेंटेंस को क्रिएट करना, या फिर स्ट्रक्चर के थ्रू जो मैंने रूल्स समझाए हैं उसके थ्रू आप ट्रांसलेट करना जरूर ट्राई करिएगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो और आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाए। वीडियो पे नए आपने पहली बार देखा और आपको बेसिक ग्रामर नहीं पता है, मतलब आप हाई स्कूल इंटर कर रहे हो और साथ में आपको बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट सेंटेंस वाली और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस जो भी मैंने बताया है सारी मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसा समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो तब तक के लिए आप मेरे नए हो चैनल पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।